एक विश्वरूप नाम के प्रजापति थे, उनकी ये भगवान भोलेनाथ के परम परम भक्त थे, विश्वरूप प्रजापति परम भक्त। इनकी दो पुत्रियां थी जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। ये ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा मैं अपनी पुत्रियों के लिए कोई योग्य वर चाहिए, मुझे योग्य वर चाहिए ऐसा जो मेरी पुत्रियों को समझे जान, उनको ध्यान रखे, उनका ख्याल रखे। हम लोग अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये कितना कमाता है, ये नहीं देखते हैं कि इसके जीवन में कितना त्याग है, कितना वैराग्य है, कितना संस्कारवान है। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, जल्दी से देरी मत करो, इस समय भगवान भोलेनाथ के जो कनिष्ठ पुत्र हैं श्री गणेश जी महाराज, उनसे जाके अपनी पुत्रियों का विवाह कर दो। विश्वरूप प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ से आज्ञा पाकर श्री गणेश जी महाराज के साथ बड़े आनंद में धूमधाम के साथ रिद्धि और सिद्धि नाम की जो परम सुंदर सुलक्षणा सुशील जो कन्या थी, दोनों का विवाह किया रिद्धि और सिद्धि के साथ। समय पा करके शुभ और लाभ नाम के दो पुत्र भी श्री गणेश जी महाराज के बड़े प्रेम के साथ हुए। इतना होने के पश्चात नारद जी ने जाकर के कहा कुमार कार्तिकेय से परिक्रमा हुई कि नहीं हुई, कार्तिकेय ने कहा बस परिक्रमा पूरी होने वाली है। नारद जी ने कहा परिक्रमा पूरी होने वाली है आपकी? बोले हाँ। बोले फिर क्या होगा? बोले मेरा विवाह होगा। नारद जी ने कहा विवाह? बोले वहां तो विवाह हो भी गया। बोले किसका? बोले गणेश जी का। बोले गणेश का कैसे विवाह हो सकता है मुझसे पूर्व? अरे मैं तो अपने वाहन मयूर पर बैठ करके जा रहा हूं और मयूर से तेज गति तो गणेश जी की वाहन की हो ही नहीं सकती मुझ सके। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे माता पिता की परिक्रमा की और विश्वरूप की पुत्रियों के साथ विवाह हो गया, दो पुत्र भी हो गए। कहते हैं कार्तिक जी गुस्सा होकर नाराज होकर के दक्षिण में क्रौंच पर्वत पर चले गए, मुझे लौट के नहीं आना। मां पार्वती अपने पुत्र रह में इतनी दुखी रहने लगी कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र मुझसे नाराज हो गया, मेरा ज्येष्ठ पुत्र मुझसे नाराज हो गया। भगवान भोलेनाथ जी का देव पूर्ण आनंद, मुझे पूर्ण आनंद है पर मेरे ज्येष्ठ पुत्र मुझसे नाराज है, क्या चाहती हो देवी? मैं तो ये चाहती हूं मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र के दर्शन करती रहूं, मैं उसके पास रहूं। भगवान भोलेनाथ मां पार्वती को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंचे, वहां से भी कार्तिकेय 10 मील और दूर चले गए। मां पार्वती ने कहा कोई बात नहीं पर कम से कम बेटे के पास तो रहूंगी, तो मल्लिका रूप में मां पार्वती का दिव्य वहां दिव्य सुंदर शक्तिपीठ प्रकट हो गई और अर्जुन के रूप में भगवान भोलेनाथ शिवलिंग में प्रकट हो गए और दोनों को संयुक्त मिलाने पर भगवान भोलेनाथ का एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। उल मल्लिकार्जुन महादेव की जय हो।